हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू मोमजल। आज मैं और एक नए बैंगल्स का सेट का डिज़ाइन आपके सामने लेके, तो चलिए बन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सारे बैंगल्स को रैप कर लिया है, और किस तरह रैप करना है ये पहले ही वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किया है। अब मैंने गोटा लेस ले ली है। गोटा लेस ये काफ़ी पतली है, वो वाली ली है, मोटी नहीं है। और इससे अब हमने जो रैप की है बैंगल्स, उसको गोटा लेस से रैप करेंगे। जब हम गोटा लेस लगाते हैं तो आपको फेविकॉल, जो भी आप ग्लू यूज़ कर रहे हो, उसको अच्छे से लगा के थोड़ी देर उसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसको थोड़ा प्रेस करके रखना है, तभी वो अच्छे से लगती, नहीं तो गोटा लेस बार बार निकल के जाती है। एक बार आप अच्छे से उसको प्रेस करके थोड़ी देर रखेंगे तो ग्लू से वो अच्छे से स्टिक हो जाएंगी। उसके बाद रैप करना स्टार्ट करिए। रैप करने का एकदम मैं इसमें सिंपल तरीका बता रही हूँ, बस इसको हमें इस तरह से घुमाते हुए रैप करते जाना है, एकदम सिंपल। इससे भी देखो आप, बैंगल बहुत अच्छी दिखती है। गोटा लेस लगाने से एक थोड़ा सा क्लासी लुक बैंगल्स में आ जाता है। इस तरह सारे बैंगल को रैप कर लेना है। मैंने इस तरह दूसरी भी एक बैंगल्स को रैप कर लिया है। दोनों बैंगल्स आप देख सकते हैं, ये साइड वाले दोनों बैंगल है। इस तरह दोनों बैंगल को रैप करना है। अब और एक नया बैंगल ले लेंगे, उसको मैं गोटा लेस ही लगा रही हूँ, पर इसको इस तरह ट्विस्ट करते करते आपको रैप करना है। बस इस तरह ट्विस्ट करते जाना है और रैप करते जाना है, सेम प्रोसेस एंड तक ऐसा ही करना है। अब इस तरह ट्विस्ट करते जाना है, पूरा ऐसा प्रोसेस करना है। मैं इसमें सब में गोटा लेस का पहले यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो ऊपर अलग चीर मोती इस तरह डिज़ाइन भी बना सकते हैं, पर आज जो मैं बैंगल्स आपके साथ बना रही हूँ वो सारे मैं गोटा लेस मिरर वर्क इस तरह से करने वाली हूँ। तो इस तरह देखो बैंगल बन के रेडी हो गया, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप इसे इस तरह भी रख सकते हैं, इस तरह बैंगल्स करके ऐसा भी सेट रख सकते हैं, या आप पे इस पर और भी थोड़ा नया वर्क। अब और एक मैंने बैंगल ले लिया, उस पर भी मैं गोटा लेस ही लगा रही हूँ, पर इस तरह डिज़ाइन बना रही हूँ। आप देख सक रहे हो एकदम सिंपल तरीके से, बस इसी तरह बना के उसको रैप कर लेना है। और अब लास्ट वाला जो बैंगल है उसको भी ले लेंगे, और उसको भी हम पहले गोटा लेस से ही करेंगे, पर इस पे थोड़ा सा मैं नया डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। और देखो मैं किस तरह डिज़ाइन बना रही हूँ, उसी तरह आपको डिज़ाइन बनाना है। इस पे मैं पहले सिंपल जो मैंने ग्रीन वाले को रैप किया वैसी तरह रैप कर रही हूँ। और अब मैंने और फिर से दूसरा गोटा लेस लिया, पहले को मैंने ज्वाइन कर लिया और दूसरा अलग से मैंने गोटा लेस लिया, और इस तरह क्रॉस कर करके मैं डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ सिंपल तरीके से। सिर्फ इसको इस तरह आपको करना है, तो एक अच्छा सा डिज़ाइन इस पर बन जाएगा। तो देख सकते हैं आप किस तरह मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। देख सकते इस तरह डिज़ाइन बनाया, और अभी देखो ये डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है। अब जो बैंगल्स हमने रेडी किए, आप चाहे तो इसको इस तरह सिंपल तरीके से भी पहन सकते हैं, ऐसा भी लुक काफ़ी सुंदर लगता है। पर अब इसमें अपन थोड़ा सा और भी कुछ अच्छा डेकोरेशन करेंगे, जिससे ये हमारा हेवी बैंगल्स बन के रेडी हो जाएगा। तो अब मैं थोड़े से कुंदन ले रही हूँ इस टाइप्स के। अब एक बैंगल्स लेके मैं इस पे इस कुंदन को स्टिक करूँगी। सबसे मैंने पीच कलर का पहले बैंगल ले लिया है। अब इसमें सिंपल तरीके से बस इस तरह हमें कुंदन स्टिक करना है, और कुछ नहीं, बहुत इजी प्रोसेस है। और इस तरह कुंदन स्टिक करेंगे तो आप देख सकते कितना हेवी लुक इस बैंगल में आ जाएगा। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं, पर ये ग्लू से काफ़ी अच्छे से स्टिक हो जाती है, या फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको स्टिक करने के लिए। हमने जो गोटा लेस से डिज़ाइन क्रिएट किया है, और जहाँ खाली स्पेस दिख रही है वही वही आपको कुंदन इस तरह स्टिक करते जाना है। तो पूरा बैंगल्स इसी तरह डिज़ाइन क्रिएट करके हमें बनाना है। और आप चाहे तो इसके जगह यहाँ पे कुंदन, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके जगह मिरर, या जो छोटे वाले भी कुंदन आते हैं सिंपल, जो गोल वाले राउंड, उस तरह भी लगा सकते हैं। अब देख सकते हैं सिंपल में कितना अच्छा डिज़ाइन बन गया। अब हम दूसरा बैंगल लेंगे, उस पर भी मैं कुंदन ही स्टिक कर रही हूँ, पर इसमें अब हम दूसरे डिज़ाइन वाले कुंदन, राउंड वाले कुंदन लेके स्टिक करेंगे, क्योंकि इसका डिज़ाइन इस तरह है तो मुझे इस पे ये वाले कुंदन ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बस इसी तरह जहाँ खाली स्पेस है आपको इस कुंदन से उसे भरना है, तो जिससे पूरा बैंगल हेवी बन जाएगा और लुक भी काफ़ी ब्यूटीफुल आएगा, और सिंपल में आपका जल्दी डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बैंगल लेंगे, उसमें मैं इस तरह के कुंदन लगा रही हूँ। थोड़े से अलग टाइप के कुंदन है ये, क्योंकि ये डिज़ाइन ऐसा है तो मुझे इस पे ये वाले कुंदन काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इस तरह कुंदन इस पे लगाया सिंपल तरीके से। आपको मैंने जैसे प्रोसेस बताया, जहाँ पे जगह खाली है जो वहीं पर हमें इसे स्टिक करना है सिंपल तरीके से, और इतने जल्दी आपके ये बैंगल्स बन के रेडी हो जाएंगे।
इस तरह हमने सारी बैंगल्स बना लिए। देख सकते हैं ये भी काफ़ी सुंदर लग रही है। तो हमारे सारे बैंगल्स अब बन गए हैं, बस हमें हमें सेट करना है। सेट आप किसी तरह भी कर सकते हैं, चाहे तो आपको इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ, या आप डिफरेंट तरीके से बीच में आपको जो ये मैंने सिंपल घोटाले जो साइड में वो बीच में लगा के भी आपको रखना है, तो आप अपने तरीके से जिस तरह इसको पहनना है, जिस तरह इसको स्टाइल करके पहनना है आप पहन सकते हैं। तो हमारा एक सेट बन गया है। अब हम मैंने दूसरा पहले ही बना के रखा, वो भी मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, आप चाहे तो पूरा हाथ में एक ऐसा तरीके का सेट बना के पहन सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चूड़ियाँ पहनना पसंद है, अगर कम चूड़ियाँ पहनना पसंद है, तो आप मैंने जो दो अलग अलग सेट बनाए उस तरीके से आप अलग अलग हाथ में दो सेट करके पहन सकते हैं। जैसा भी आपका चॉइस है आप उस तरीके से इसे वेयर कर सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं। और देखो एक पूरा ऐसा सेट भी कितना सुंदर लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और कितना आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।